स्वागत है आप सभी का शेफ़ शिरू चैनल में एक बार फिर। आज इंडियन डेजर्ट बनाने जा रहे हैं जो बड़ा ही मशहूर और फेमस है ऑफ़ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वैसे तो ये आजकल सारी दुनिया में पसंद किए जाने वाली डिशों में से एक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका नाम बता दूँ, रबड़ी बनाने जा रहे हैं हम। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए इलायची पाउडर तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने इलायची को भून लेना है तवे में। कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, कंडेंस्ड मिल्क लेना है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, और आधा लीटर दूध। कढ़ाई में ही बनाई जाती है ये डिश। दूध को अच्छी तरह से चलाते हुए लगातार करीब 50 मिनट से 1 घंटे लगते हैं, और इसको चलाना दूध को बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स को हमने कट कर लिया है पीसेस में ताकि गार्निशिंग भी इसकी कर सकें, और इसमें बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है। इलायची भुन चुकी है, अब इसे हम देसी स्टाइल में कूटेंगे और इसका बनाएंगे इलायची पाउडर। अब चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। ये देखिए दूध में मलाई पड़ने लगी है। मिल्क पाउडर हमने लिया हुआ है और इसको अच्छी तरह से लम्प्स नहीं पड़ने देना है, लम्प्स इसके पूरे हम वाटरी कर लेंगे इसको, और उसको गर्म होते दूध में डालेंगे। देखिए मलाई खुरचना है हमको, और कंडेंस्ड मिल्क को इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए धीमी ही आंच में पकाना है, उबाल आने लगा है, ये फाउंटेन उबाल आने लगा है जो बीच से आता है जनरली। चलाते रहना है, चलाना मत छोड़िएगा। अच्छी डिश खानी है तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलाते रहिए इसको, खुरचते रहिए, ये मलाई ही स्वाद देती है इस डिश में। देखिए उबाल आने लगा है, कुटा हुआ इलायची पाउडर वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है फ्लेवर के लिए। ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और ये है वेवी उबाल। जैसे वेव्स आती हैं समंदर में वैसे ये उबाल हो रहा है। जब ये आने लगे तो इसमें ऐड कर देना है हमने ड्राई फ्रूट्स को, धीमी आंच में पकते रहने देना है, और जब कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए सो बंद करके इसे खुले में ही रूम टेम्परेचर में रखना है। लेकिन उससे पहले इसका की इंग्रेडिएंट केसर कभी भी डायरेक्ट नहीं डाला जाता है। इसको हल्के से दूध के साथ इसको मिक्स कर लीजिए ताकि इसका जो रंग है देख सकते हैं आप, ये हमने ऐड कर देना है पूरा केसर और दूध रबड़ी में। कंसिस्टेंसी देखिए, महक वीडियो से नहीं आएगी, वो मुझे आ रही है। आप बनाइए तो आपको भी बेशक इससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। सर्व करिए खुशी के साथ, स्वीट डिश है, लॉकडाउन में सब जगह बंद है तो घर पे ही बनाइए, ट्राई करिए, यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। गार्निश करिए ऊपर ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये देखिए सर्विंग बोल में निकाल करके रूम टेम्परेचर में इसको करीब 1 घंटे के करीब रखना है। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, कोलकाता में रबड़ी बनाने के ऊपर बैन लग गया था एक वक्त की बात है, जब इकोनॉमिक रिसेशन था, क्योंकि इस डिश को बनाने के लिए बहुत सारा दूध का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक्त बैन लगा दिया था। लेकिन वो अब तो कोर्ट्स के नोटिसेस के बाद हट गया है। ये रबड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसे बिल्कुल बेशक आप बनाइए अपने घर पे, बच्चों को बेहद पसंद आएगी ये डिश, बड़े भी वैसे मीठा खाते ही हैं, तो शौक से बनाइए, सबको खिलाइए घर में जितने लोग हैं, और रेसिपी अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अब तो दुनिया में कहीं भी इसको शेयर किया जा सकता है, शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर डिश बनाए हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसी रही डिशेस। बहुत सारी डिशेस अवेलेबल हैं, और हम भी अवेलेबल हैं टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब में। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ शेफ़ शिरू चैनल में। सब्सक्राइब एंड शेयर।